अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, हमको ये सवाल करना था। कुछ लोगों से हमने सुना है कि जैसे कोई सूरह हो गई या जिक्र हो गया, वो लेट के नहीं करना चाहिए। जैसे मतलब ऐतल कुर्सी या कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वो लेट के नहीं, मतलब जैसे उठ के बैठ के पढ़ना चाहिए। जैसे रात को सोते वक्त पढ़ते हैं कुछ, तो उसको मतलब बैठ के पढ़ना चाहिए। एक शख्स मतलब कि एक शख्स लेट के पढ़ रहे थे, तो उनको एक आदमी ने मेरे सामने वो किया कि नहीं, लेट के बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। तो वही ये चीज़ पूछना था कि क्या मतलब सोते वक्त या कुछ लेट के पढ़ सकते हैं कि बैठ के ही मतलब पढ़ना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठ कर, लेट कर, सो कर, टेक लगा कर, सब तरीक़े से अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, क़ुरान की तिलावत कर सकते हैं, क़ुरान देख के पढ़ सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में आता है, मुस्लिम शरीफ की रवायत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह को याद करते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे। तो इसमें कोई कबाहत नहीं कि आदमी लेट करके कुरान पढ़े या सो करके कुरान पढ़े या बिस्तर पर बैठ करके कुरान की तिलावत करे, जिक्र अस्कार करे, इसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अफजल की बात करें, बेहतर हो जो अमल है उसकी बात करें, तो जाहिर सी बात है कि बैठ के पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन लेट करके या टेक लगा करके अगर पढ़ता है तो ये हराम और नाजायज़ नहीं है, ये पढ़ सकते हैं, गुंजाइश है। जज़ाकअल्लाह खैर।